गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आफ्तोस सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। क्या करना है स्टूडेंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर आर इरेशनल। बताना है कि जो गिवन नंबर है ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो हमको रेशनल और इरेशनल बताना है। नंबर क्या है, जो फर्स्ट नंबर हो 2 - √5, 2 - √5। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, कुछ हिंट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। ओके, क्योंकि हिंट कर देंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। देखते हैं हिंट गिवन कहाँ पे है। स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है, आप थोड़ा सुनिए। इफ़ यक्स एंड वाई आर एनी टू रेशनल नंबर, इफ़ यक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर, अगर यक्स और वाई दो रेशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन रेशनल दो रेशनल नंबर को आप अगर ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो रेशनल नंबर हैं, एक एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। और डिवाइड भी करेंगे तब भी कितना आएगा, रेशनल नंबर आएगा। डिवाइड में कंडीशन है सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, मतलब कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब क्या होंगे, रेशनल होंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन जो डिफरेंट है। ओके, कंडीशन डिफरेंट क्या है, कंडीशन डिफरेंट यह है कि अब देखिए दोनों को हम चेक करेंगे तो 2 - √5 है, तो 2 ठीक है, 2 है और क्या है, √5 है, तो 2 क्या है, रेशनल, 2 इज अ रेशनल नंबर। बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल, जो ये √5 आपका ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन की। तो जो ये कंडीशन होती है, अगर दोनों रेशनल होते तो इनका सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन सब क्या रेशनल होता। बट एक रेशनल नंबर है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा यह ऑलवेज जो होगा इरेशनल नंबर होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर, क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पे एडिशन भी होगा, अगर यहाँ पे हम ऐड भी कर देंगे, ऐड के साइन भी, तब भी रेशनल और इरेशनल का जो एडिशन होता है वो भी इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज -√23 -√23। ओके, 3 + √23 -√23। ओके, अब इसको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो सिंपल सा मैटर, ब्रैकेट को पहले ओपन करिए, तो 3 + √23 -√23, तो 23 क्या हुआ, कैंसिल हो, कितना बचा, 3। और 3 क्या है, 3 इज रेशनल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जीरो से लेके सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो 3 भी क्या है, काउंटिंग नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर, पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। बट 22/7 क्या है, रेशनल है। 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। बट पाई जो है इरेशनल नंबर है। ओके,
और ये जो क्वेश्चन है टू अंडर रूट सेवन अपान सेवन अंडर रूट सेवन, यहाँ से कैंसिल कितना बचा, टू अपान सेवन हुआ। और टू अपान सेवन क्या है, टू अपान सेवन क्या है, रेशनल नंबर है। वन अपान रूट टू क्या है, वन अपान रूट टू ये भी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि वन क्या है रेशनल और रूट टू क्या है इरेशनल। रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर, तो 1.5 तो फाइनल हो गया इस तरीके से। और देखिए जो रिवीजन लाया क्वेश्चन में वही रिवीजन कराएंगे आप उसमें सब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, हम सब क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। और स्टूडेंट रेशनलाइज में जो होता है हम कंजुगेट से उसके क्या करते हैं, उससे कंजुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सपोज कर लीजिए वन अपान रूट सेवन, वन अपान रूट सेवन, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट सेवन से मल्टीप्लाई और रूट सेवन से डिवाइड। ओके, तो रूट सेवन को मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो रूट सेवन जो कितना होगा, रूट सेवन अपान, और रूट सेवन का रूट सेवन में करेंगे कितना कर देगा ये सेवन, तो ये आपका आंसर। ओके, और यहाँ पे जो है वन अपान अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट एट, क्लियर, इसको भी क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज देखिए कंजुगेट से करते हैं, तो इसका कंजुगेट कितना होगा, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट एट, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट एट। ओके, मतलब कि अगर ये टू प्लस रूट थ्री होता तो टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई, टू माइनस रूट थ्री से करते हैं डिवाइड करते हैं। क्लियर, अब देखिए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना ही आएगा, सेम अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट एट। अपन यहाँ पे फार्मूला जो है अप्लाई होगा, बट अभी हम इसको राइट करते हैं, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट एट। क्लियर, सर यहाँ सिक्स है ना, सिक्स लग रहा है, जैसे जो है सिक्स कर देते हैं। क्लियर, तो ये अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स अपन यहाँ पे लग जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट सेवन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स अपन कितना होगा, वन, भाई रूट सेवन का स्क्वायर कितना होगा, सेवन होगा, सेवन माइनस सिक्स कितना हुआ, वन हुआ, आंसर कितना आएगा, अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स। क्लियर, तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो है लास्ट हो गई, अब एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग कौन सी, इसमें बाकी जो क्वेश्चन सब ऐसे ही करने हैं, एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 जो है कितना है, 64 की पावर 1.2, 64 की पावर 1/2, क्या करना फाइंड करना है, बस इसकी वैल्यू फाइंड करना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर मेन चीज़ या तो इसको पूरा हम जैसे एलसीएम फाइंड करते तो वैसे फाइंड करें, या तो यहाँ पर पावर कितना 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो हम देखेंगे 64 किसकी पावर 2 होता है, 64 किसकी पावर 2 होता है, तो 64 किसकी पावर 2 होता है, 8 की पावर 2, 8 का पावर 2 मतलब 8 इंटू 8, 8 या 64, और इसकी पावर कितना होगा 1/2। अब यहाँ 2 से क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 8 आया। कितना आ गया जो है 8 आ गया, क्लियर 8 हो गया। ऐसा जैसे सेकंड क्वेश्चन 32 की पावर, 32 की पावर कितना होगा 1/5,
32 की पावर 1/5 का मीन्स यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ 5 है, तो हम चेक करेंगे कि 32 किसकी पावर 5 होता है। तो 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप एलसीएम निकालिए, तो ऐसे देखिए राइट करेंगे 2 इंटू कितना 5, और पूरे की पावर कितना होगा 1/5। तो यहाँ से कितना 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना होगा 2 की पावर 5, और पूरे की पावर कितना होगा 1/5। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 2 बचा। ओके कितना बचा इसका आंसर 2 हो गया। थर्ड इसका आपको सॉल्व करेगा, और जो सेकंड का फर्स्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट फाइंड 9 की पावर 3/2, 9 की पावर कितना 3/2। तो अब इसमें भी डिनोमीटर देखेंगे, डिनोमीटर हम इसमें भी देखें 1/5 में, इसमें यहाँ भी देखें डिनोमीटर कितना 2 है। तो हम चेक करेंगे 9 जो तो किसकी पावर 2 होता है, 9 किसके पावर 2 होता है, 3 की पावर 2 होता है, क्योंकि 3 की पावर 2 को 3 3 9, 3/2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मीन्स कितना होता है 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, कितना आ गया 27 आ गया। कितना आएगा 27। ओके इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, सेकेंड का फोर्थ पार्ट क्या है, 125 की पावर कितना -1/3। तो ये 3 नीचे इसका रेंडर कितना 3 है, तो 125 किसकी पावर 3 होता है, 5 की पावर 3 होता है। 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 = 25, 25 × 1 = 120, कितना -1/3, 3 3 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 5 की पावर -1। और इसको हम राइट कर सकते हैं 1/5, क्योंकि -1 जो नीचे जाकर क्या होगा +1, तो 5 की पावर +1 यहाँ होता ही है। क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। ओके स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है, यू नो इफ द बेस इज सेम इन मल्टीप्लिकेशन, पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई की साइन है, जब मल्टीप्लाई की साइन होगा इसका मतलब दोनों देखिए 2 2 सेम सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, 2 की पावर 2/+1/5 इक्वल टू कितना होगा 2 की पावर, एलसीएम कितना होगा 15 होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 जा कितना हुआ 10 + 5 3 जा 3 1 जा कितना होगा 3, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना होगा 13/15। 2 की पावर कितना होगा 2 की पावर 13/15। क्लियर। 2 की पावर 13/15। और इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, हैं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, ताकि एक्सरसाइज खत्म हो गई, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जो मैटर है ये पावर क्या है सेम है, जब पावर सेम है तो हम लोग बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई, वी कैन राइट दिस 7 × 8 पूरे की पावर 1/2।
सेवन की पावर वन अपॉइंट टू, एट की पावर, तो हम लोग दोनों को एक साथ करके वह पावर वन अपॉइंट टू, हम चाहे तो इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो फिर यही राइट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो सेवन एट जाए कितना होता है 56, सेवन एट जाए 56 की पावर वन अपॉइंट टू। ओके, तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।